हम तजवीज़ करते हैं कि आपको हफ्ते में 5 बार वर्जिश करना चाहिए। इस वर्जिश के 2 हिस्से हैं, पहला वज़न उठाना और दूसरी मशक्क़त। वज़न उठाने से पट्ठों की ताकत में इजाफा होता है और निज़ाम हज़म बेहतर होता है। मशक्क़त जैसे दौड़ना, तैरना या साइकिल चलाना आपके दिल, फेफड़ों और वज़न की कमी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। आपको वज़न उठाने की मशक या मशक्क़त वाली वर्जिश हफ्ते में 5 से 6 दिन करनी चाहिए और 2 दिन का आराम चाहिए। जब हम वज़न उठाते हैं तो इससे अज़लाती खुलिए टूटते हैं और जब हम आराम करते हैं तो वह वापस ठीक हो जाते हैं। इसी ठीक होने के दौरान उनका वज़न बढ़ता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि एक दिन जिस्म के जिस हिस्से की वर्जिश की जाए अगले दिन उसी हिस्से की वर्जिश दोबारा ना की जाए, दूसरे हिस्से की वर्जिश कीजिए ताकि मुख्तलिफ पट्ठे उसके अंदर हिस्सा लें और जिन पट्ठों ने पिछले दिन वर्जिश की है वो आराम कर सकें। पट्ठों की बढ़ोतरी और मशक्क़त से आपके जिस्म का वैसा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, यानी निज़ाम हज़म की रफ़्तार में बेहतरी आती है। यह वो रफ़्तार है जिससे इंसानी जिस्म को आराम की हालत में बुनियादी कामों के लिए हरारे यानी कैलोरीज चाहिए होते हैं। BMR कैलोरीज हरारों की वो तादाद है जो आपको अपने वज़न को बरकरार रखने के लिए चाहिए होती है। अगर आपका जिस्म BMR 2500 हरारे है तो आपको वज़न बढ़ाने के लिए 2500 हरारों से ज़्यादा ग़िज़ा चाहिए होगी। और इसी तरह काम करने के लिए वज़न कम करने में ग़िज़ा का किरदार हमेशा वर्जिश से ज़्यादा अहम होता है। वर्जिश और एक सेहत बख्श ग़िज़ा आपकी जज्बाती हालत के साथ साथ आपके दिमाग से खुशी का बायस बनने वाले हार्मोन्स के इखराज का भी सबब बनते हैं। इस तरह आपका तनाव भी कम होता है और आपका मिजाज भी खूबसूरत रहता है।